हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वोल्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड यानी कि UIDAI की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों फाइनली UIDAI की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी जो कि आधार कार्ड की नई भर्ती है, जो कि ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते समय आपसे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें चाहे आप ऑफलाइन अप्लाई करें। दोनों ही प्रोसेस से हम आपको बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, ऑल इंडिया की जॉब है, इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस तो आप सभी कैंडिडेट्स उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो काफी खास होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास हैं, तो आज ही हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। यहां पर आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, सभी अपडेट आप यहां पर सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है आधार कार्ड की तरफ से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर आप सकते हैं दोस्तों मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। रीजनल ऑफिसर की वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर की है, डिप्टी डायरेक्टर की है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, डाइंग डायरेक्टर की है, अकाउंटेंट की है, स्टेनो की है, एमटीएस की है, क्लर्क की है, काफी सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप रोजाना विजिट भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको रोजाना नई जॉब्स की अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। आप चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो दोनों ही प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस हम आपको बताएंगे, आप सर्च कैसे कर सकते हैं और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की जॉब है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सैलरी आपको एज पर रोज मिलेगी, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी का क्राइटेरिया है, यानी कि यहाँ पर काफी सारी जॉब्स है तो उनके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस भी अलग रहेगा, क्वालिफिकेशन भी अलग रहेगी और सैलरी भी आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया की रहेगी। वही दोस्तों बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 56 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहेगा एज लिमिट का क्राइटेरिया, ठीक है। वही बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें चाहे आप ऑफलाइन अप्लाई करें, चाहे आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग है, तब भी आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों ज्यादातर जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर एनी ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है और पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। बट दोस्तों आपको बता दें कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर 12th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको चेकआउट करना है कि 10th पास पे कौन सी वैकेंसी है और 12th पास पे कौन सी वैकेंसी है। और दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होगा सीधी भर्ती के माध्यम से। और दोस्तों इसके आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जस्ट आपको करना क्या है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आप इधर नए पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए सेकंड लिंक है। तो जैसे दोस्तों आप सेकंड नंबर की लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं नई वैकेंसी को और अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो इस वैकेंसी के लिए आप जो है आज ही अपना सीवी ड्रॉप कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसमें आप चाहे तो आपका ड्रॉप कर सकते हैं सीवी, ठीक है। आपका जो रिज्यूमे है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए, आपका अकाउंट बना दीजिए और जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है या वैकेंसी चल रही होगी तो उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती है तो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देखते हैं मल्टीपल जॉब से नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आप रोजाना यहाँ पर सर्च करते रहे। जैसे कि यहाँ पर अभी आप हाल फिलहाल में देख सकते हैं 14 दिन पहले यहाँ पर एक नई वैकेंसी की अपडेट डाली गई है जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे वैकेंसी है। यहाँ पर जो
पैकेज आपको मिल रहा है सैलरी का 4 लाख से 9 लाख रुपए पर एनम का आपको सैलरी मिल रही है, भोपाल की जॉब लोकेशन है, ठीक है। बाकी सभी जानकारी आप जो है यहाँ से ले सकते हैं रीड मोड पर क्लिक करके, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सैलरी आपको कितनी का मिल रही है और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक अप्लाई करने का बटन भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके आप जो है आपकी डिटेल्स फिल करके रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिज्यूमे आपको अपलोड करना होगा, इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, जैसा कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जेंडर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपको रिज्यूमे अपलोड करना है और फॉर्म को सबमिट करना है। सिंपल आपको इस प्रकार अप्लाई करना होगा। वही दोस्तों अगर आप ऑफलाइन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा सबसे पहले लिंक पर, ठीक है, डिपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर। जैसे आप क्लिक करेंगे आप नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखते हैं नई जॉब्स की अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है, वन बाय वन करके आप जो है अपडेट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है बाय पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यहाँ से प्रोसेस दिया गया है अप्लाई करने का। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाते हैं जिसको आप डाउनलोड करके अप्लाई करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और भर करके सबमिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रोसेस थे ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने के। आपको डेली बेसिस पे विजिट करना है यूआईडीए की ऑफिशियल वेबसाइट को, वहां पर आपको नई जॉब्स जैसे दिखती है आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी यहां पर अपडेट आती रहती है, तो आज ही वेबसाइट पर विजिट करें और अप्लाई करें, ठीक है। दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।